हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल रिव्यूज चैनल। तो दोस्तों, चैनल पर रहे हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के बिगेस्ट मेगा स्टार आमिर खान की, जो कि बहुत ही हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म और वर्ल्ड के बिगेस्ट सुपरस्टार आमिर खान की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में बात करने वाले, जो कि आज के दिन रिलीज हुई थी। और इस मूवी को रिलीज होकर आज को 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2016 23 दिसंबर को ये मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम है दंगल। और आमिर खान ने इसमें जिस लेवल का, जिस तरीके का डेडिकेशन दिया था ना भाई, वो देख के ऐसा लग गया था कि भाई ये बंदा कुछ भी कर सकता है। बोलते हैं ना लोग, अगर इरादे मजबूत हो तो आप पत्थर को भी तोड़ सकते हैं, यानी कि पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। मांझी द माउंटेन मैन देखी नहीं है ना आपने, वैसे ही मुझे इस मूवी को देखने के बाद लगा था कि आमिर खान का डेडिकेशन किस लेवल का था। भाई आमिर खान ने पहले हरियाणवी सीखी, फिर उसके बाद इन्होंने अपना वेट बढ़ाया, फिर उसके बाद आमिर खान साहब ने वेट लॉस किया, जिसमें उनको दंगल करना होता है, चैम्पियनशिप के लिए लड़ना होता है। फिर फैमिली इश्यूज के लिए उन्होंने अपनी फैमिली के लिए गिव अप कर दिया उनका सपना। फिर तो उनको अब कैसे भी करके भारत यानी अपने देश के लिए मेडल लाना होगा। तो वो क्या दिमाग लगाते हैं भाई, क्या मेडल सिर्फ छोरे ही लाए, छोरियां भी मेडल ला सकती हैं। कहानी तो सबको पता है यार, सबको पता है दंगल की क्या कहानी थी, और लोगों ने इस मूवी को भर भर के प्यार दिया था। दंगल मूवी आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी। तो भाई मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, क्रिसमस का अगर 18-19 की डेट अगर शुरू हो गई ना भाई, तो वहाँ से आमिर खान फैंस के लिए फेस्टिवल है। क्योंकि यार आमिर खान की अक्सर मूवी जो भी ब्लॉकबस्टर हुई है, जो अच्छी तरीके से चली है बॉक्स ऑफिस पे, जो कमाल किया है बॉक्स ऑफिस पे, और जिस जो जो मूवी ब्लॉकबस्टर हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस पे ही आई है। क्रिसमस किंग सिर्फ एक ही है, आमिर खान। जैसे कि ईद पे सलमान खान किंग है, दिवाली पे शाहरुख खान किंग है, अक्षय कुमार के लिए तो कोई भी डेट चलेगी, और 15 अगस्त में ऋतिक रोशन किंग है। तो दोस्तों, वैसे ही आमिर खान क्रिसमस राजा है, आमिर खान को क्रिसमस का राजा बोलते हैं। देखो अभी उनकी लास्ट टाइम क्रिसमस पे कोई भी मूवी रिलीज़ नहीं हुई, तो उनकी मूवी सब डिज़ास्टर या फ्लॉप ही गई है। तो दोस्तों अभी वो न्यू मूवी लेकर आ रहे हैं सितारे ज़मीन पर, वो क्रिसमस 24 पे रिलीज़ होने वाली है, जिसका प्री प्रोडक्शन चालू हो चुका है, और आमिर खान अपने लुक पे भी काम कर रहे हैं। कौन सा लुक उसमें बेटर रहेगा, उस पर भी काम चल रहा है आमिर खान का। तो अगर हम दंगल की बात करें तो भाई दंगल में सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छे हैं, सिनेमेटोग्राफी भी बहुत ही अच्छी है। दंगल को नीतीश तिवारी ने डायरेक्ट किया था। लास्ट टाइम उनकी कौन सी मूवी आई थी वरुण धवन के साथ, जो कि अमेजोन प्राइम पर रिलीज़ हुई थी। फिर उसके बाद छिछोरे भी बनाई थी नीतीश तिवारी ने। तो भाई मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जाइए दंगल मूवी को इन्जॉय कीजिए। सना फातिमा शेख और ज़ारा वसीम, आमिर खान, और भाई इसमें आयुष शर्मा का छोटा भाई भी है, उसका भी कैरेक्टर बहुत ही खतरनाक है। दंगल इज द हिंदुस्तान की ब्रांड मूवी है, दंगल इंडियन सिनेमा का इतिहास है दंगल मूवी। ये बच्चे लोग, पठान, जवान, बाहुबली, आरआरआर, केजीएफ, ये सब बच्चे लोग अपनी टिकट का प्राइस बढ़ाकर आज बॉक्स ऑफिस के नंबर बढ़ा रहे हैं। लेकिन भाई वर्ल्ड के बिगेस्ट सुपरस्टार आमिर खान ने जब 10 वाली टिकट हुआ करती थी ना सिंगल स्क्रीन पे, जब इसने झंडे गाड़े, अभी जो 1800 की टिकट बिक रही है ना, जब 300 रुपये 200 रुपये की टिकट होती थी, आमिर खान ने तब झंडे गाड़े, तब 100 करोड़ पार किया है, तब 200 करोड़ पार किया है, तब 300 करोड़ पार किया है आमिर खान ने। 10 रुपीज़ टिकट पर 100 रुपये का टिकट, लास्ट टिकट बॉक्स ऑफिस लग्जरी सिनेमा आपको देखना है तो भाई उस टाइम पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ 300 से 350 रुपये 400 रुपये में टिकट होता था। लेकिन आज आपको अगर एक लग्जरी सिनेमा देखना है तो आपको 1800 पे करने होंगे, 1500, 2500, 3000, 5000 का टिकट बिकता है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था जब आमिर खान ने रिकॉर्ड बनाया। तो भाई वो एक बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, सबसे बड़ा सुपरस्टार है आमिर खान। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, दंगल इंडिया की सबसे पहली मूवी है जो कि बॉक्स ऑफिस पे 2000 करोड़ का बिजनेस की है। ये सब
जवान, पठान, KGF, RRR, बाहुबली, ये सब बाद में आई है। आप लोग मेरे बात से एग्री हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ऐसे ही फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो।